वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। इस पूरी सूरत हाल पे ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज क्या कहते हैं, आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं। साहब के मुंह को ताले क्यों लगे, उन्होंने कहा था 72 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। और मैं गुजारिश करता हूं कि हर पाकिस्तानी जो है हमारे लिए उतनी कदर की निगाह से हमें देखना चाहिए, और बतौर ऑपोजिशन हम इंसाफ के मुतकाजी हैं, और मैं इस हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक अरीबा के कातिलों को, मुनीबा को जख्मी करने वालों को, खलील को गोलियों से भून देने वालों को और उसकी वालदा को इंसाफ नहीं मिलता। और ये अपना सिर्फ अपना जो है पर्दापोशी कर रहे हैं, एक दूसरे को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अजहद जरूरी है कि इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और जिम्मेदारान का तयन होना चाहिए, और वहीं पर जहां पर ये दिल खराश वाकया पेश आया वहां पर उन लोगों को सरेआम फांसी देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमजा शहबाज की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, वो भी यही कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। निसार साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जीआईटी और जुडिशल कमीशन में क्या फ़र्क है, और माजी में जो जुडिशल कमीशन बनते रहे हैं उनका फैसला क्या है, और क्या लवाहिकीन को, क्या जो मजलूम हैं उन्हें इंसाफ मिला है जुडिशल कमीशन के बाद? देखिए, जब इंसाफ देने वाले खुद ही कातिल बन जाए तो फिर हुसूल इंसाफ यकीनन इंतहाई मुश्किल हो जाता है। जहाँ तक ये टेक्निकल जो डिस्टिंक्शन की आपने बात की है, ये आईटीओ या को अकेला और पुलिस ऑफिसर तफ्तीश कर रहा हो वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ही हो सकती है। जहाँ तक जुडिशल कमीशन की जब हम बात करते हैं तो वो एतबार की बात है, कॉन्फिडेंस की बात है। जब एक हाई कोर्ट के जज साहब या सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कोई इंक्वायरी होल्ड करते हैं तो उसका वकार और कदर व मंजिलत और कॉन्फिडेंस कुछ और लेवल का होता है। यही वजह है कि आप देख लें इंस्टेंट इंसिडेंट में कि सब लोग यही मुतालबा कर रहे हैं, अपोजिशन, मुतासरा फरीक और दीगर हजरात, सब का एक ही मुतालबा है कि इसे जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उसके सुपुर्द किया जाए ताकि सच्चाई जो है वो सामने आ जाए। अब तक तो सच्चाई सिर्फ ये है कि एक गाड़ी जा रही है, उसे रोका गया, बच्चे निकाले, फिर रखे, कुछ बच्चे रख दिए, कुछ बाहर रखे। और कानूनी हैसियत के मुताबिक क्या लवाहिकीन ये मुतालबा कर सकते हैं जुडिशल कमीशन का? जी, वो मुतालबा तो कर सकते हैं, इससे तो मुतालबा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये काम हुकूमत का है, हुकूमत का ये और फर्ज है ऐसे लर्जा खेज वाक़े में कि वो लाजमी तौर पर इसमें जुडिशल। ठीक है, और अगर क्या लवाहिकीन ये मुतालबा करते हैं तो अदालत के पास ये हक है कि लवाहिकीन के मुतालबे पे जुडिशल कमीशन कायम हो जाए? जुडिशल कमीशन आमतौर पर जो है वो हुकूमत की इस्तदा पर मुकर्रर किए जाते हैं। देखें, बुनियादी तौर पर इन शहरियों को इंसाफ देना किसका फर्ज है? ये कोई भी हुकूमत जो हो यह उसका फर्ज है। तनकीद हमेशा होती है जब कोई गलत काम होता है। सही, जब ये सारी दुनिया ने देखा कि ये क्या है, कोई इश्तियारी मुलजम नहीं है, कोई दहशत गर्द नहीं है, बच्चे मासूम हैं साथ, और उनकी डेस्टिनेशन नोन है कि जनाब वो लाहौर से निकले हैं, जाना कहाँ है जी, बोरे वाला, क्यों जाना है जी, वो भी सबको पता है मोटिव क्या है वहाँ उनके जाने का, काज क्या है कि जी भाई की शादी है। तो ऐसे हालात में वो गोलियों से भून देना किसी शख्स को, इससे बड़ी बर्बरियत और जुल्म को हो नहीं सकता। और मैं एक अपनी तरफ से एक सेंटेंस ऐड करना चाहूँगा, ये 1985 से लेकर 2018 तक जो भी यहाँ का एक पॉलिटिकल सिनेरियो बना, 85 में गैर सियासी असेंबली आई वगैरह वगैरह, मियाँ साहबान आए, तो झूठे पुलिस मुकाबले इंसाफ का एक जरिया बन गया। और इसी सुनार में कुछ अदालती नज़ायर ऐसे आए कि जनाब पुलिस ऑफिसर इज ए गुड विटनेस। आज पुलिस जिसको मर्जी मार देती है, वो खुद ही गवाह है, खुद ही मदई है। बिल्कुल, ऐसे ही सादिया सुहेल साहब का रुख करेंगे। सादिया साहब, आपने हमजा शहबाज की गुफ्तगू मुलाहिजा की, उनकी गुफ्तगू से तो ऐसा लग रहा है कि जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। 15 मिनट टाइम दिए हैं पहले पीटीआई को। अच्छा, इसमें बताया देखिए, तहकीकात करना जो है वो जारी बात है, एजेंसी का काम है या अदारों का काम है, और इसमें जुडिशल कमीशन बनने में भी कोई आर नहीं है मेरे ख्याल में। अगर आप, लेकिन जेआईटी की जब पहली रिपोर्ट आएगी, अगर उसमें आपको इत्मीनान ऑपोजिशन को नहीं है या जो अलाकीन है वो समझते हैं कि रिपोर्ट के बाद, उनको समझते हैं तहकीकात पूरी होने के बाद
कि इसमें उनको कसर है, तो जुडिशियल कमीशन बनाना भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको जिसमें उनको रुकावट है या वो भी बनेगा। जिस पर हाँ मुतमईन हम अपने वो जो खासतौर पर डायरेक्ट मुलावत हकीम उनकी सेटिस्फेक्शन और अपोजिशन को मुतमईन भी करना जारी बात है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है। अलमिया ये है कि इस टाइम जब तक JIT की तहकीकत मुकम्मल नहीं होती, सामने आने का इंतजार करना चाहिए। कुछ ही टाइम की बात है, लंबा टाइम इसमें हम बिल्कुल नहीं लेंगे। और ठीक है राना साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं राना साहब, आखिर लवाहिकीन और अपोजिशन खत्मी रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं कर लेता? मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, अपोजिशन ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मियां नवाशी साहब के, मैं समझता हूँ भाई शबाशी साहब ने जो बात की, या आसफ जरदारी साहब के बेटे बिलावल साहब ने, खुर्शीद शाह साहब ने बात की, उसके बाद सूबाई असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शबाज साहब ने जो बात की, वो बात है जो 22 करोड़ अवाम की आवाज़ है। पूरी दुनिया के ओवरसीज करोड़ों जो हैं वो आज परेशान हैं कि हम एयरपोर्ट से निकलेंगे, हम अपने घरों को जाएंगे, हम शादियों पे जाएंगे, तो आया हमें इसी तरह मार दिया जाएगा कि ये दहशतगर्द है। ऐसे है नहीं। खुद इमरान खान साहब ने कहा कि विद इन 72 आवर्स रिपोर्ट आ जाएगी, और ये जो बजदार साहब हैं ये भी फरमा रहे थे। कौन सी चीज़ें आने हैं? देख रहा जो फेडरल और सूबाई वुजरा ने CTD के तर्जमानों की हफाजत में, उनकी मैं समझता हूँ कि मदद में जो खिदमत की, वो बिल्कुल अयां हो चुकी है कि ये टारगेट किलन किया गया। और फिर मैं जिशान पे भी आता हूँ, जिशान पर कितने मुकदमात हैं दहशतगर्दी के, और जिशान की वालदा बूढ़ी 70 साल बुढ़िया जो है, अगर वो लोगों के घरों में काम करती है, जिशान के घर के बाहर उसकी नंबर प्लेट लगी हुई है, पूरे मोहल्ले वाले वो कहते हैं कि वो मेहनत मजदूरी ड्राइविंग करता था, तो ये ताने बाने जो हैं, मैं समझता हूं कि कातलों को तहफ़ नहीं देना चाहिए। इस पर जुडिशियल कमीशन फौरी तौर पर बन जाना चाहिए था, लेकिन खदशा ये है कि जब जुडिशियल कमीशन पूछेगा कि एक एक्ट हुआ और दिन दहाड़े उनको मार दिया, अगर वो मुलजम ही थे जिशान, उसको पकड़कर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई, उससे वो राज क्यों नहीं उगलाए गए जो उसने कौम के खिलाफ या कानून के खिलाफ कार्रवाइयां की थी, और मार देना किसका मिशन था, कौन लोग टेलीफोन पे थे, ये तमाम चीजें जो हैं ये कौम के सामने लाना पड़ेगी। फिर 2 करोड़ का ऐलान किया चीफ मिनिस्टर साहब ने, फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा मुल्जम गिरफ्तार हो चुके हैं। अब अगर 16 या 17 लोगों पर FIR दर्ज हुई है तो गिरफ्तार होते हैं 5 और 6, बाकी मुल्जम कौन है, वो कहां पे है, उनकी पुष्ट पनाई क्यों की जा रही है? मैं समझता हूं कि जिस तरह नकीबला मसूद का वालिद आज भी खान साहब से मुतालबा करता है जो खान साहब ने वादा किया था, फिर मैं समझता हूं कि राव अनवार का बड़ा जिक्र किया करते थे, आज तो बड़ी बात क्लियर है कि इन बच्चों को, इनके वालदैन को क्यों मारा गया। और अगर पुलिस अकेली ही जिम्मेदार है तो फिर जो SOP चीफ मिनिस्टर ने तैयार किए, जो IG साहब, जो होम डिपार्टमेंट ने मिलकर SOP डिक्लेयर किए थे, इसमें तो सभी जिम्मेदार हैं। और अगर पहले हम तो बड़े बुरे थे ना, लेकिन हमने जुडिशियल कमीशन भी जस्टिस नजीब साहब की का बनाया था, हमने पहले भी GIT बनाई थी, और हमने FIR पहले सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मियां नवाशी साहब पर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर शबाशी साहब पर दर्ज हुई थी, फेडरल वुजरा पर दर्ज हुई थी, फौरी तौर पर मिनिस्टर ला राणा सनावला साहब ने रिजाइन दे दिया था। तो आज क्या चीजें रुकावट है कि जो राजा बशारत साहब ने गुफ्तगू की, जो मियां असलम इकबाल साहब ने की, जो मियां महमूद रशीद साहब ने बात की, ये इतना आगे फ्रंट फुट पे क्यों CTD के एहलकारों की को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे? मैं समझता हूं कि ये एक कातल को प्रोटेक्शन देना और असल इन्वेस्टिगेशन का रुख मोड़ना, ये भी एक जुर्म है। इस पर फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान न्याजी साहब, चीफ मिनिस्टर और वुजरा पर FIR दर्ज होकर इस पर जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, ताकि जो असल फैक्ट्स एंड फिगर है वो कौम के सामने आ। ठीक है, नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। नवीद साहब, क्यों अपोजिशन और लवाहिकीन थोड़ा वेट नहीं कर लेते कि हतमी रिपोर्ट आ जाए JIT की, उसके बाद अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो फिर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही सादिया साहिबा की, कि वो कह रही हैं कि पहले इसकी JIT की रिपोर्ट आ जाए, फिर देखेंगे, अगर वो गलत हुई तो करेंगे।
मुझे नहीं बात समझ आ रही कि इस पर कोई लीगल हिच तो नहीं है कि आप अभी जुडिशियल कमीशन अनाउंस ही कर सकते, कोई कानूनी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मकसद है कि हर धर्मी नज़र आ सकती है कि हमने ये बना दिया पहले उसको आने दो। मेरा अगर आज आप सब तमाम लोग ये कह रहे हैं कि आपके जुडिशियल कमीशन का आपने सवाल किया था भट्ट साहब से, क्यों वो गैर जानबदार होगा, उसमें जानबदारी नजर नहीं आएगी आपको, क्योंकि वो एक वो अदारा है जो अदलिया का अदारा है, उसका क्योंकि डायरेक्ट किसी हुकूमत के अंदर वो इन्फ्लुएंस नहीं होता, इसलिए उसको बनाया जाता है, वो गैर जानबदार है। अगर वो गैर जानबदार अदारे को आज अख्तियार दे दिया जाए तो इसमें क्या हर्ज है? ठीक है नबी साहब हमारे साथ 72 घंटे का जो नोटिस दिया था उसमें जीआईटी की रिपोर्ट तो आ चुकी हुई है ना, उसके बाद तो सही तफसीलात में जा रहा है कि हम जी गवाहियां लेंगे, यानी शायद क्या जिस तरह गवाहियां ली जा रही है वो आपने देखा साहिबाल में। ठीक है साहब, हमारे साथ मकतूर खलील के भाई जलील साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करेंगे। जलील साहब, आप इस्लामाबाद गए, आज आपकी आला अहदेदारों से मुलाकात हुई, क्या मुलाकात हुई, क्या बातचीत रही, हमें बताइएगा। हम खेती वालों से मुलाकात की है, मेरे फरमान साहब भी थे जो हमारे मुतालबा थे, हमने उनको बताए हैं और उन्होंने पूरी यकीन दहानी कराई है कि हम बस इन्हें कमीशन ही बना देंगे। उधर से उन्होंने कहा कि जो आपका केस है हाई वाज है वो भी ट्रांसफर करा देंगे। ठीक है, आपने मुतालबात अपने पेश किए, कोई हुकूमती अहदेदार मिला आपको? हाँ जी हाँ जी। किससे आपकी बातचीत हुई? रहमान मलिक साहब भी थे, वो तो सेनेट के चेयर और कमेटी के मेंबरान थे। हुकूमत से नहीं मिले ये चेयर आप? हेलो, ठीक है हम सुन रहे हैं आपको जलील साहब। इनको प्रेसिडेंट आरएफ अलवी साहब ने बुलाया, चेयरमैन सरेंट ने बुलाया, लेकिन वो दोनों नहीं मिले। ना प्राइम मिनिस्टर साहब मिले, ना आज कमेटी मिली। रहमान मलिक साहब तो थे वहाँ पे, हुकूमती वुजरा में से कोई वहाँ पे मौजूद था जिससे आपकी मुलाकात हुई? स्वाति साहब थे और गड़े वो कमेटी के मेंबर हैं, ऐसे और भी कमेटी के आदमी थे। अच्छा जलील साहब, ये बताएं कि आपको जीआईटी जो कायम हो गई है उसकी तहकीकात पे आपको यकीन है कि वो सही फैसला देगी, या आपने आज जो मुतालबात रखे वो क्या थे? ये जीआईटी जो बनी है, जीआईटी की रिपोर्ट आना भी बाकी है, टाइम लग रहा है, आप जीआईटी से मुतमईन है या आपने जो मुतालबात किए वो क्या मुतालबात आपने किया? जीआईटी हमने कहा हमें नहीं ये रिस्पेक्ट पानी है, जो कमेटी बनी हुई ना जी उस पे नहीं मान, ये खत्म की जाए। ठीक है, कमेटी खत्म की जाए कहा जा रहा है मकतूल के भाई जलील। सादिया साहिबा, अब लवाहिकीन भी मुतमईन नहीं है, हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि अगर लवाहिकीन मुतमईन नहीं होते तो जुडिशियल कमीशन बना दिया जाएगा, अब आपके सामने है पूरी सूरत हाल। देखिए उनके तहफात कमेटी ने सुने हैं और उस पर अगर मुतमईन नहीं है तो जरूर जुडिशियल कमीशन बनाया जाएगा, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। जब इनको मुतमईन करना हुकूमत की पहली जिम्मेदारी है, लेकिन जहां तक मेरे भाई राणा अरशद साहब कह रहे थे के जिस तरह, इनको मैं बता दूं कि असेंबली में इन हाउस सेशन हुआ, कैमरा सेशन इन हाउस, पूरी ब्रीफिंग दी गई इस हवाले से जिसमें तमाम ऑपोजिशन लीडर खुद भी मौजूद थे, और उसमें जीशान का कहां तक किरदार था क्या था, क्योंकि उसके बारे में अभी कोई हतमी रिपोर्ट मैं बात नहीं करूंगी जब तक रिपोर्ट नहीं आती, लेकिन तमाम ब्रीफिंग जो इन हाउस दी गई है इससे पहले ऐसी कोई रिवायत नहीं थी। अगर हुकूमत साथ लेके चलना ना चाहती ऑपोजिशन को तो इस तरह के इकदाम नहीं होते, पहले भी ऐसे कई वाकयात हुए। कब हुआ ऐसे कि आपकी होम मिनिस्ट्री ने आपको इन हाउस कैमरा इन हाउस क्या हुकूमत आपको साथ लेके चल रही है इन कैमरा ब्रीफिंग से? मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये धोखा देने की स्टेप बाय स्टेप तरजीहात का इन्होंने तयन किया हुआ है। मैं समझता हूँ खान साहब की बीवी खातून अवल मेरे लिए काबिल एहतराम है, अगर खान साहब का पालतू डॉगी रोता है तो उनके उनके आंसू नजर आते हैं। आज वो मासूम बेटियों के वालदैन को कत्ल कर दिया गया, आज उनके आंसू में नजर आ रहे हैं। खतून ने अवल को अपना रोल प्ले करना चाहिए, वो बिल्कुल वो लाहौर में आती थी, तो ये
इस घर में भी जाए, क्या पीपल्स पार्टी को लेकिन राजा बिशारत साहब ने जब खुद एक आपने कह दिया तो बहुत से शवाद मौजूद है तो उसके बाद तो बात खत्म हो गई ना। वो शवाद लाने में क्या क्या कबाहत है जब राजा बिशारत साहब ने खुद क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस राजा बिशारत साहब ने कहा कि हम शवाद मौजूद है मिल गया है जुडिशियल कमीशन बनने का। अब जो जुडिशियल कमीशन की तरफ नहीं जा रहे इसमें सबसे बड़ी रुकावट खुद इमरान अहमद खान नियाजी साहब हैं, वो नहीं समझते कि इनके अदारे एक्सपोज हो जाएं, क्योंकि वो तो चीफ मिनिस्टर के कसीदे परसों संडे को भी पढ़ रहे थे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तकरीब में। मैं समझता हूँ कि जब ऐसे होगा तो फिर चीजें और जो आए हैं हम इनके साथ हैं, हमारा कोई पॉलिटिकल स्कोर पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है। हम ठीक है, असल सवाल ये है कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा। वापस आएंगे हम प्रोग्राम में ब्रेक के बाद।